हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आधार कार्ड में एक बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है, आधार कार्ड मोबाइल लिंक से रिलेटेड। तो गाइज, क्या आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं आधार कार्ड में, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, जो UDI का न्यू अपडेट है, इसमें आप कैसे अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लिंक कर सकते हैं। तो गाइज, इसमें मैंने कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले वीडियो बनाया था कि ये न्यू अपडेट आ चुका है, तो आपको कैसे अपडेट कराना है मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। ट्विटर पे भी पोस्ट हुआ है, मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कैसे क्या करना है आपको अपना मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आधार कार्ड में। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक IBBP एक साइट है जो पोस्टमैन ऑफिशियल का है, पोस्टमैन, और एक आपको रिक्वेस्ट डालना है पोस्ट ऑफिस पे। और इसका जो ये आधार कार्ड लिंक का जो न्यू अपडेट है, इसका नाम है आउटडोर अपडेट मोबाइल नंबर। तो ये काम आपका UDI साइट से नहीं होगा। ये सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आप पोस्ट ऑफिस जो होता है उसके वेबसाइट पे जाके आपको एक रिक्वेस्ट डालना होगा। वो रिक्वेस्ट पोस्टमैन के आपके नजदीकी पोस्टमैन के पास जाएगा और आपके घर पे पोस्टमैन आएगा और आपका मोबाइल नंबर एक दिन में लिंक हो जाएगा और वो अपने आप ही लिंक करेगा। तो आपको ये लॉन्च कब हुआ है, ये दो दिन हुआ लॉन्च हुए, इस पर मैंने वीडियो सोचा आप लोग का बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि लोग मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार जनसेवा केंद्र पे जाते थे, अपॉइंटमेंट बुक करते थे, फिर अपडेट कराते थे और फिर क्या करते थे कि 7 दिन या 15 दिन वेट करते थे, फिर अपडेट होता था। तो गाइस, ये सबसे बड़ी अपडेट आई है आधार का कि आप अपने घर बैठे ही अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो, वो भी पोस्टमैन, जो पोस्टमैन का UDI मतलब साइड है उस पे आपको रिक्वेस्ट डालना है। वो रिक्वेस्ट कैसे डालना है इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। तो गाइस, आप वीडियो स्किप मत करना और ये जो अपडेट आया है कि अपने, तो आपको कैसे बुक करना है इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा। और ये सबसे बड़ी अपडेट, ये मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे UDI के साइट से नहीं, आपको पोस्टमैन का जो साइट है गूगल पे जाके क्रोम बजाओ, इनका साइट खुलेगा और उसपे मैं वीडियो में सारा बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो मैं लाइव वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे ये अपडेट आया है और कहाँ से इसको, इसका साइट पे जाना है, ठीक है। चलो गाइस, ये देखो, ये हम ट्विटर के साइट पे आए हैं, जो PIB के तरफ से अपडेट आया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और सबसे पहले हमको खोलना है पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट, जो IPPB.com, ठीक है। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे क्लिक करना है हमको, और ये देखो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, इस पर क्लिक करेंगे। ये पोस्टमैन का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलना है, ठीक है। तो ये मेरा पोस्ट ऑफिस का वेब साइट खुल गया है और मैं इसको क्लिक करूँगा। तो अब ये देखो, वेट करो थोड़ा, एक मिनट, और आपको जाना है, तो हम ये पोस्टमैन के जो ऑफिस है उस पर आ गए हैं और हमको जाना है सबसे पहले, ये देखो, डोर स्टेप बैंकिंग पे, और नीचे आएंगे हम, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और देखो, आपको दिखाता हूँ मैं, फाइनेंशियल में जाना है, फाइनेंशियल बैंकिंग, उसी में आपका आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक करने का ऑप्शन दिया गया है और ये आप रिक्वायर बुक कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के साइट से ही, ठीक है। तो ये देखो, फाइनेंस में है मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार, तो इसके नीचे है, देखो गाइस, इस नंबर पे कॉल करना है, जो आपको कॉल ऑन सेंटर दिख रहा है इस पे, और इसका टाइम है 11 से 4 बजे तक सुबह, और ये सर्विस 1 अगस्त से स्टार्टिंग होगा। आपको नंबर पे कॉल करना है और अपना एड्रेस बताना है कि सर मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, आपको उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा और आपके घर पे, ये देख सकते हो, 1 अगस्त को आपका ये लॉन्च होगा। और ये आपका 1 किलोमीटर पे 20 रुपया लगेगा आपका, जितना दूर हो पोस्ट ऑफिस, ठीक है।